और ये वाइड बॉल, और इसी के साथ एक और रन ले लिया। ये क्या चल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और ये एक रन, और ये बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो नहीं जीता ये जिंदगी। ऐसे लग रहा स्विमिंग पूल में छोड़ा हो तुमने हाथ कर बांध के, ना भाग पा रहा ना मार पा रहा है। ऐसे ये स्विमिंग पूल में खेलना आज, माशाल्लाह गिरे यार पैर, सब गिरे आज। थोड़ा सा क्रियोस हो गया कि अज्जी ने पावर पे लिया बॉलर देख के, तो अगली टीम ने बॉलर चेंज कर लिया। और चौथा बॉल स्लोअर वन था, और ये रन आउट। तो भाई इस वक्त हम आ गए इंडोर क्रिकेट में, और सीन ये कि हम लोग राउंड का मैच जीत गए थे, अब जो है हमारा सेमीफाइनल है। और सीन ये है कि ये इंडोर कोर्ट जो है ना, अभी स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा, इसमें शदीद पानी है, और आप देख रहे होंगे मैं नंगे पैर खेल रहा हूँ। मैंने आज तक क्रिकेट नंगे पैर नहीं खेली, लेकिन आज जो है वो खेलनी पड़ेगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मजबूरी है कि आज जो है इस टूर्नामेंट को फाइनल करना है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खेल सकते, तो भाई जो भी हालात हैं उसमें खेलना पड़ेगा आज। तो पाँच ओवर का मैच है, रूल वही है, एक प्लेयर जो है वो सिर्फ बाउंड्री होगा जब हम पावर प्ले लेंगे, चार ओवर जो है नॉन पावर प्ले। सही है भाई, ओनर है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। भाई पाँच ओवर का मैच है, बक्कू भाई और मैं ओपनर जा रहे हैं, बाकी अब लेट्स सी क्या होता है। पहला बॉल एक रन हुआ, सेकंड बॉल और ये फिर से एक रन, दो बॉलों पे दो रन हो गए हैं। हरी भाई के देख के आप पता चल सकता है नंगे पैर खेल रहे हैं। ये तीसरा बॉल, डॉट बॉल, चौथा बॉल, और इसके साथ बोल्ड हो गए। मैं बैट्समैन आ रहे हैं रिजवान नूर अज्जी। पांचवा बॉल और ये सिंगल ले लिया। और लास्ट बॉल पे भी एक रन लिया। ये दूसरा बॉल शुरू, एक रन, दो बोले दो रन, और ये रन आउट मिस हो गया। एल भाई बचे हैं तीन बॉलों पे तीन रन। ओवर का चौथा बॉल, चार बोले चार रन, पांच बोले पांच रन का ओवर का आखिरी बॉल, और ये एक रन। भाई दो ओवर में दस रन हो गए, और हमने सिंगल ओवर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि इस क्रिकेट में ना बाउंड्री मारना काफ़ी मुश्किल काम है, ये बॉल स्केट कर रहे थे, बहुत गीला हुआ है ग्राउंड जिसकी वजह से लग ही नहीं सकते। तीस बॉल है ना, तीस ओवर में पैंतीस से चालीस हमने बना दी, फंस जाएंगे। थोड़ा सा क्रियोस हो गया कि अज्जी ने पावर पे लिया बॉलर देख के, तो अगली टीम ने बॉलर चेंज कर लिया, तो अब इस चीज़ पे ऊपर हो रही है कि यार ये बॉलर कैसे चेंज हो सकता है, ये वो उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अब ये हुआ है कि पावर प्ले का मना कर दिया, तो फील्ड वापसी वैसी हो गई है, बॉलर आ गया अपनी पहली बॉल करवाने, और ये एक रन, और ये स्लाइड के साथ अच्छी लेट गए। एक बॉल एक रन, कवर का दूसरा बॉल, और ये शॉट, और एक रन, ओवर का तीसरा बॉल, और ये हुआ वाइड बॉल, वाइड बॉल पे सिंगल आ गया, तो अभी दो बॉले हुए हैं और चार रन है। ओवर का तीसरा बॉल, और ये शॉट मारा है हरी ने, सिर्फ एक रन। ओवर का चौथा बॉल, और ये शॉट पे छः, बॉलर का अगला बॉल, और ये आउट।
अज्जी आउट हो गए इसी बॉल पे। अज्जी के आउट होने के बाद फहद बब्बू आए हैं ओवर का आखिरी बॉल। और एक रन, तीन ओवर 22 हो गए और इस ओवर में अच्छे रन आ गए। कोशिश ये कि अगले दो ओवर में 15-16 रन ले लेंगे ना इंशाल्लाह। चौथा ओवर शुरू होने जाता है, ये पहला बॉल और ये एक रन। ओवर का दूसरा बॉल, अच्छा ही ओवर करता लेकिन एक ही रन। ओवर का तीसरा बॉल और एक और रन। ओवर का चौथा बॉल, अच्छा खेला, एक रन हो गया। चार बॉलों पे चार रन आ गए हैं। दो बॉल इस ओवर की अभी भी बाकी हैं, देखें क्या हम इस दो बॉलों पे बाउंड्रीज स्कोर कर पाएंगे। ओवर का पांचवा बॉल और ये शॉट, लेकिन वहीं पर रुक गया, एक रन। ओवर का आखिरी बॉल और हैरी बोल्ड हो गए। ओवर के इख्तिताम पे 5 रन आए हैं, 27 रन है और लास्ट ओवर है, इसमें 8-9 रन लेने पड़ेंगे, करने ही करने हैं। टारगेट हो सके इंशाल्लाह वो रोकेंगे इंशाल्लाह। आखिरी ओवर शुरू होने वाला है, अभी बॉलर मार के तैयार हैं। स्ट्राइक पे फहद सलीम और ये नो बॉल, एम्पायर का नो बॉल का इशारा। हैरी का आउट होने के बाद समीर आए स्ट्राइक पे, बॉलर अपना पहला बॉल करेंगे और ये एक रन, यानी कि एक बॉल पे 3 रन आ चुके हैं। बॉलर अपना दूसरा बॉल करते हुए, हाइड बॉल और आउट हो गए और इसी के साथ सलीम स्लिप होके गिर भी गए। 5 रन आउट के बाद अभी तक एक ही बॉल हुआ है, अच्छा बॉल और ये रन ले लिया। शायन आए हैं फहद के आउट होने के बाद, शायन की स्ट्राइक है, देखें अब शायन क्या करते हैं। और ये डॉट बॉल, लेकिन सिंगल ले लिया। अगला बॉल फुल टॉस है और एक रन और ये नो बॉल का इशारा, फिर से 2 रन आ गए। क्रिकेट बॉल है तो अपने मार्क पे रेडी और ये फिर से 1 रन ले लिया। बॉलर अपने मार्क पे रेडी और ये वाइड बॉल और इसी के साथ 1 और रन ले लिया। ये क्या चल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद ये आउट हो गए हैं बहुत ज़्यादा गेम तमाशे के बाद रन आउट। हैरी भाई अभी क्या हुआ भाई, ये अभी चेक कर रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर खेल रहे हैं, अभी इधर कर रहा है उधर कर रहा है, बस अल्लाह करे किसी ज़्यादा चोट ना लगे ना बस। अभी तक 4 बॉलें हुई हैं, बॉलर में 5 बॉल करवाते हुए और एक और नो बॉल, एक और फ्री हिट, एक और नो बॉल। बेहतरीन 4 बॉलों पे 13 रन आ चुके हैं, अभी भी 2 बॉलें बाकी हैं इंशाल्लाह, उसमें अगर 2 सिंगल भी आते हैं ना तो एक अच्छा टारगेट है इंशाल्लाह। एक रन, ओवर का आखिरी बॉल और ये सिर्फ 1 रन भाई, 43 रन का टारगेट है और ये अच्छा टारगेट है इंशाल्लाह हम लोग बचा सकते हैं। अभी आए सब प्लेयर से पूछते हैं कि भाई कैसा खेला तुमने भाई, क्या सीन है, बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो नहीं जीता ये जिंदगी, ऐसे लग रहा स्विमिंग पूल में भाई छोड़ा हो तुमने हाथ कर बांध के, मैं भाग पा रहा हूं मार पा रहा हूं ऐसे, ये एक भाग ही रहा है भाई, अज्जी सही है भाई, टारगेट टारगेट अच्छा हो गया, माशाल्लाह स्विमिंग पूल में खेलना आज, माशाल्लाह गिरे यार पैर, सब गिर रहे हैं आज भाई, जूते नहीं पहने किसी ने, मैंने बोला है कि शूज पहन लो थोड़े बच्चे, ये गीले तो हो गए होंगे अंदर से, नहीं नहीं गीले नहीं हुए, आप देखे ये देखे ये देखे, क्या बात है, अच्छे होने चाहिए। वैसे बक्कू भाई ने सही होशियारी की, जल्दी आउट हो गया ना, गिरे ही नहीं बक्कू भाई, ऐसी होशियारियां करता है हमेशा।
भाई अच्छा टारगेट है सुफियान, रोकना है अब इंशाल्लाह। भाई शॉर्ट रनअप से करो, तेज तेज बॉल बनेगा, बाबा बेहतरीन है भाई। फील्डिंग आगे टाइट रखो, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। 43 का टारगेट और अब इनिंग के ही पहली बॉल सुफियान करवाते हुए, और ये शॉट और ये एक रन। अरे ओवर का दूसरा बॉल, डॉट बॉल। ओवर का तीसरा बॉल, अच्छा ही वर्कर, और इसी के साथ चौका हो गया। ओवर का तीसरा बॉल और ये डॉट बॉल, डॉट बॉल। एक और बढ़िया बॉल, लेकिन बॉल हाथ में नहीं आया। सिर्फ एक रन। ओवर के अख्तिताम पे ओवर खटाने के लिए हैरी आए हैं। एक रन अलाउ हो गई है, हैरी अपने मार्क पे तैयार दूसरा बॉल करवाने के लिए। डॉट बॉल, तीसरा बॉल, और एक रन। और प्यारा है ये स्लो बॉल, हैरी ने प्रॉपर रीड करके एक स्लोअर वन दिया जिस पर बैट्समैन बीट हो गया। और एक और बेहतरीन बॉल, और बैट्समैन फिर भी बहुत प्यारा बॉल कर रहे हैं हैरी। और एक और बीट, और ये रन आउट। बेहतरीन ओवर किया हैरी ने। अभी चेक की बॉलिंग है हैरी भाई, जो स्लोअर वन दिया था ना हमने चेक करके, बहुत प्यारा था वो। एक अच्छा ओवर हो गया जो हमें चाहिए था, मैच में लेके आ गए वापस। दो ओवर में 10 रन दो ओवर है। इनके जो 8-7-7 फील्डर थे उसके अलावा एक नया बैट्समैन आया, उससे डायरेक्ट बैटिंग करा रहे हैं, तो ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, आई गेस बिठा दिए, बिठा दिए, यही होना चाहिए यार, जब से फील्डिंग की तो सीधी बात है। तीसरा ओवर करवाने के लिए फहद बबू आए हैं, दो ओवर में 10 रन है। देखिए फहद किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, बहुत प्यारा यॉर्कर, डॉट बॉल, वाइड बॉल। एक और वाइड, दूसरा बॉल ओवर का, और बेहतरीन यॉर्कर। एक और प्यारा बॉल, बहुत प्यारा बॉल, 4 बॉल है, 3 रन। 5वां बॉल करवा रहे हैं ओवर का, और ये फुल टॉस दे दी और रन आउट। शैंपायर ने उस बॉल को नो बॉल दिए, हेड बॉल है वो, तो वो तो आउट नहीं हुए, लेकिन दूसरे रन आउट हो गए। तो अब फहद सलीम अपना 5वां बॉल करवाएंगे ओवर का, और एक और डॉट बॉल। आखिरी बॉल और डॉट। ओवर के अख्ताम पे 4 रन आए हैं, हैरी भाई एक और अच्छा ओवर हो गया, और 13 रन आए इसमें। अभी काफी सारे रन चाहिए, 2 ओवर बाकी, 2 ओवर है। क्रिकेट है भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो बात है। चौथा ओवर करवाने के लिए रिजवान अजी आए हैं बॉलिंग पे, ये अपना पहला बॉल करवाएंगे, और ये रन आउट। अब अजी अपना दूसरा बॉल करवाएंगे, और ये वेल फील्ड, और रन आउट का चांस मिस हो गया। तीसरा बॉल करवा रहे हैं, और ये डॉट बॉल, और इसी के साथ एक अलाउ दे दिए। और ये चौथा बॉल स्लोअर वन था, और ये रन आउट।
ऐसा लग रहा है हारिस भाई इंतजार में खड़े हुए थे इस बॉल के, ये बॉल मेरे पास ही आएगा। चौथा बॉल करवाएंगे और ये क्या बेहतरीन फील्ड की है बप्पू ने। और एक और डॉट, अब ओवर का अख्ताम हुआ, आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए, आखिरी ओवर करवाएंगे शायान। पहला बॉल डॉट, एक रन, और वाइट बॉल, दूसरा बॉल शायान करवाते हुए, और स्लोअर वन, और ये एक और रन आउट। चार बॉलों पे 26 रन चाहिए हैं, और ये एक और वाइट बॉल, चार बॉलों पे, और ये एक रन, तीन बॉलों पे 23 रन चाहिए, और ये इसी के साथ रन आउट हो गया, और इसके साथ ये टीम ऐड हो गई है। 24 रन रहते थे, सब ऑल आउट हो गए, और ये कच्चा मैच जीत गया। अच्छा सीन ये है कि इसमें ट्रॉफी भी है और विनिंग प्राइज भी है, तो इंशाल्लाह कोई करनी का ट्रॉफी देके जाएंगे इंशाल्लाह।